बता नहीं क्या दिक्कत, लाइन में नहीं आना चाहिए। अच्छा पुलिस वाला अगर गाली देगा तो क्या जरूरत है हमें ऐसे किसी की गाली सुनना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम हैं, आपने देखा था कल रात को हम जहाँ सोए थे, अब और सुबह सुबह हम आ गए इंडियन पेट्रोल पंप पे। तो अभी यहाँ हम रुके हुए हैं नाश्ते और डीजल लेने के लिए, तो चलो चलते हैं पहले पेट्रोल पंप पे। तो ये देखो ये पेट्रोल पंप है, और इस पेट्रोल पंप के जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर देखो जगह है वहाँ पर गाड़ी की इधर साइड में, तो उधर वो छोटी गाड़ी भी लगी है, उधर मेरी गाड़ी भी लगी है, और देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। हाय हाय मस्त लग रहा है एकदम। तो फिलहाल अभी हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर मेरे को दो काम है, एक तो नाश्ता भी कर लेंगे, प्लस में हम ये देख लेंगे कि हमारे डीजल का पैसा आ गया कि नहीं आया कार्ड में। तो अगर कार्ड में आ गया होगा तो डीजल भी डलवा लेंगे साथ के साथ, और फिर यहाँ से डलवा के फिर चल देंगे। अरे यार पंप देखो कितना शानदार पंप है, बढ़िया नए नए पंप बने हैं, तो नए नए किधर है मशीन। चेक कर ये क्या है, पहले चेक तो करो कार्ड। वो कर रहा हूँ, ये क्या है बोला। हाँ अभी बताता हूँ क्या है। अच्छा उधर अंदर जा रहा, कह रहा मेरे पास है मशीन चार्जिंग पे है। अच्छा चार्जिंग पे, ये मोबाइल क्या है वो? अरे अभी बताता हूँ, अभी तुम्हें पता लग जाए। भाई तो अभी क्या है देखो, ये डीजल का पैसा कल मैंने बोला था कंपनी को, डाला है कि नहीं डाला देख। तो भाई डीजल का तो पैसा आ गया है, डीजल की टेंशन नहीं है पैसे की। अभी क्या है, अब जा पहले नाश्ता कर लेते, फिर गाड़ी उधर से ले आएंगे, फिर चलते बनेंगे। अभी फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ देखो। नाश्ते में क्या क्या मिलेगा भाई साहब? ब्रेड पकौड़ा पापड़ी। अभी ब्रेड पकौड़ा कितनी देर में आएगा? देखो ये आ गई रामदेव बाबा की कंपनी परिवहन। ये रामदेव बाबा जी की कंपनी है, अपने योगा वाले रामदेव बाबा, पतंजलि, इसमें पतंजलि का सारा सामान जाता है। $10,099 डालना, ये तो ज्यादा हो गया, $10,999 हो गया, ये इतना क्यों डाल रहे हो? $10,000 डालो, पहले 00 डालो, 100099। हाँ 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 ये आ गया। देखो थोड़ा मशीन ला, फाइनली दोस्तों हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है एक्सप्रेसवे पार कर लिया है। बस जस्ट कुछ मीटर पे हम उतर जाएंगे नागपुर के बाईपास पे। तो फाइनली दोस्तों आगे तो गए हम पेट्रोल पंप पे। देखो ये भारत का पंप है, ये बहुत बड़ा पंप है। अभी चलो आपको दिखाता हूँ, जब से पहले मैं अपने कपड़े वपड़े निकाल लें जरा। हाँ तो ये देखो ये है शानदार पंप। हाँ उठाना तो उठाएगा नहीं, चल। तो ये है भारत पेट्रोलियम पंप, और खास करके ना इन्होंने कई जगह ऐसे बहुत बेहतरीन पंप बनाए हुए हैं, और देखना इसमें ना 24 घंटे मुफ्त पार्किंग है, और इसमें ना सारे के सारे छोटी बड़ी गाड़ी हर गाड़ी लगा लेता है आदमी। अब हमारे टेलर भी लग जाते हैं और बड़ी गाड़ियां भी लगती हैं। देखो इधर पूरा पीछे तक पार्किंग, पूरा पीछे तक पार्किंग बना हुआ है पंप के पीछे से, और यूरिया भी है इस पर, डैप भी दे रखा। वाह 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 मजा आ गया। तो ऐसे सब पंप बहुत बेहतरीन लगते हैं कि भाई ऐसे देखो सुविधा अगर हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए भरपेट खाना और एक पार्किंग, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मस्त चलता रहता है हम लोगों के साथ। तो ढाबा नहीं है, सिर्फ ढाबा बंद पड़ा है, यहाँ पर रेस्ट रूम भी है उधर। ये लो भाई देखो भाई, बैठने के साथ साथ नहाने की सुविधा, वाह भाई वाह।
क्या बना रखा है। अरे देखो नहाने का व्यवस्था कितना बढ़िया बना रखा है, ये इस पे बैठ के नहाओ, है कि नहीं, क्या बात है। नहीं भारत पेट्रोल पंप पे कई जगह है ना उस्ताद, ऐसा कई जगह है ऐसा, बहुत बेहतरीन बना के रखते हैं ये लोग, है ना। सिर्फ यही चीज़ अच्छी लगती है और इसीलिए बंदे इस पे ना, अब ये पूरी पार्किंग यहाँ फ्री भी है 24 घंटे। 24 घंटे के बाद रुके तो नहीं पता, लेकिन 24 घंटे तक तो फ्री है ही। चल भाई नहा, क्यों परेशान भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भारत पेट्रोल पंप का भाई, ऐसे नहाने धोने की व्यवस्था बना के रखी है। और ऐसे रोड पे जैसे ये रोड जा रहा है ना, अब इस रोड के ये हम जब बाईपास से उतरे थे ना अपन, ये भंडारा रोड पे, वहां से 12 किलोमीटर आगे 12-13 किलोमीटर आगे ये पंप है, और यहाँ से मौंदा करके जगह है, तो मौंदा 8-9 किलोमीटर आगे रह जाता है, उससे पहले पंप है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभी जा रहा हूँ मैं गाड़ी के पास। जब तुमको मालूम है सब लाइन में आ रहा है तो तुम्हें लाइन नहीं लगाना चाहिए है, तेरे को लाइन नहीं लगाना चाहिए क्यों। एक बात बता, सब लाइन में आ रहा है, तेरे को लाइन में नहीं आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। नहीं क्या दिक्कत है बता, नहीं क्या दिक्कत, लाइन में नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा तुमको है। अभी पूरा लाइन में लगा के आ रहे हम लोग उधर गाड़ी, नहीं अभी अभी तुमको दिक्कत आएगा फिर, अभी अब वो लोग बोलेंगे तेरे को कुछ गलत बोलेंगे, अच्छा लगेगा बता। अभी देखा आपने कि गलत गाड़ी चलाने का नतीजा कितना गलत होता है। अभी हमारी जो लाइन है, मैं अभी थोड़ा मेरा फोन चार्जिंग में लगा हुआ था और वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम ये थी कि वो चार्ज थोड़ा डाउन हो गया था। हम लोग वहां से खाना खा के चले हैं तो आगे ये हमने भंडारा पार किया, भंडारा बाईपास, तो ये आगे रोड पे काम चल रहा है। ये देखो ये रोड पे काम चल रहा है, तो ये पुल की वजह से ये पुल की वजह से सारी गाड़ियां लाइन में चल रही है। काफी पीछे से मैं कम से कम आधा किलोमीटर पीछे से हम लोग लाइन में लग के आ रहे हैं। ये दो गाड़ी, ये ट्रेलर और वो 14 चक्का है कि 16 चक्का है, उन दोनों ने क्या किया कि गाड़ी आगे लेके आगे आ गए। अब बताओ वो पुलिस वाला अगर गाली देगा तो क्या जरूरत है हमें ऐसे किसी की गाली सुनना। हम 2 मिनट जाना, हमें कहीं नहीं है, कहीं नहीं निकलना। अब वो पुलिस वाला कुछ भी कह सकता है क्योंकि गलती हमारी है। अब हम इस गलती पे लोगों को बोले कि नहीं वो गलती कर रहा है तो उसको कोई नहीं बोलता। भाई ऐसे मत करो ना, हम अपने आप से सही रहे। देख देख वो बाबा, देख कहाँ से आ रहा है, देख वो बाबा, देख देख उसको हाथ दे, बाबा रुक जा। बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, अगर जितनी इज्जत हम अपनी खुद की करेंगे ना तो हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अब वो दोनों ही गाड़ी में दो दो बंदे हैं। अरे कम से कम लगा लाइन में कितना दूर, तुम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट कहीं निकल के चले जाओगे तो क्या उसमें कर लोगे, तुम कोई उखाड़ लोगे किसी का कुछ। बस वही बेवकूफी रह जाती थोड़ी थोड़ी, फिर उसकी वजह से नुकसान उठाते हैं, दिक्कत आती है। A few moments later. और बस इसमें टायर में ज्यादा हवा कम है। ये देख फंस गए दोनों, लेफ्ट और राइट। अब पता लाइन में नहीं चला जा रहा है, लेफ्ट से आया क्या, वो लेफ्ट से है, बता यार। अरे इतने पुराने ड्राइवर होके भी यार कैसी कैसी हरकतें करते हैं लोग यार। अरे जानता है तू तो भाई। जाने मन तो खूब है, खूब है। आज अभी अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे देख किधर पे निकलने के आ रहे, ये दो पहिया मोटरसाइकिल है यार, क्या बताएं इनको, तनको समझ नहीं आता। बाया से निकल कर भाग क्या उस्ताद, ये कौन सा घाट है ये देवरी, तो ये है दोस्तों देवरी घाट। और अभी मेरे को इस घाट का नाम नहीं पता था तो मैंने अभी पूछा, यहाँ पर काम चल रहा है,
ये जंगल है पूरा का पूरा देवरी का, और इस जंगल में ये घाट है, और यहाँ से ये पूरा का पूरा ये जो फ्लाईओवर है एक लॉन्ग फ्लाईओवर बना रहे हैं, जिसमें ये एक बार गाड़ी चढ़ेगी तो फ्लाईओवर के ऊपर ऊपर जाएगी, जैसा सिवनी सिवनी के सिवनी घाट पे बना हुआ है वो वहां से घाट से उतरने के बाद तक नीचे तक वो पूरा का पूरा उसी घाट पे फ्लाईओवर पे बना हुआ है। तो हम महाराष्ट्र बॉर्डर पार कर लिया है, जैसा कि अभी देखा आपने कांटे पे हम लोग चढ़े थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं पहली बार आया हूँ, और छत्तीसगढ़ में आते ही मेरा वेलकम कैसे हुआ है दिखाऊं। देखो छत्तीसगढ़ में आते ही बारिश ने हमारा वेलकम किया है। हाँ, पूरा खूबसूरत सा। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। कभी ये छत्तीसगढ़ एमपी का एक हिस्सा हुआ करता था, जब से ये अलग हुआ है, जब से ये अलग छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे कि है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो कई स्टेटों से एक और अलग स्टेट बनी है। तो हमारे एमपी, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, तो जैसे कि एमपी से ही अलग हुआ, और इतने सालों में पहली बार मेरा छत्तीसगढ़ आना हुआ। अभी बॉर्डर पे चलते हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ सुना है कि जाम लगा हुआ है, क्योंकि आज है 2 तारीख, तो आज हमें वहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे चलान होता है हम लोगों का, हाइट गाड़ी है ना, तो हाइट गाड़ी का छत्तीसगढ़ में 5,000 रुपये का चलान होता है, तो वो हमें कराना भी है, और क्योंकि वो जरूरी भी है, वो 1 महीने का होता है, 1 महीने फिर बिंदास आप 1 महीने आराम से आ जा सकते हो। तो चलो पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर। तो ये है छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, देखो उधर भी लाइन लगी हुई है, इधर भी लाइन लगी हुई है, इधर भी लाइन लगी हुई है, उधर भी लाइन लगी हुई है, पूरी की पूरी लाइन ही लाइन लगी हुई है। और ये चले भाई अपना अपना परमिट लेके चलान करवाने के लिए, तो मैं भी चलता हूँ फिलहाल, परमिट दे रहे। अरे चल रहे बाबा, रुक गया क्या। फिलहाल तो भाई मैं जा रहा हूँ चलान कराने, सबके सब भग रहे हैं तो मैं भी भग रहा हूँ, ठीक है। अबे गिर मचियो, अबे गिर, अबे तेरी, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। भाई बारिश ने कर दिया है बेहाल कमाल, तो अभी मैं रुक जाओ थोड़ी देर, अब क्या है मुझे यहाँ से निकलने में टाइम लग जाएगा 10-5 मिनट, तो पहले चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं भिलाई, और हम जहाँ अभी भिलाई आए हैं ना, वहाँ पर खाली जहाँ खाली करनी है वहाँ पर हम खड़े हैं फिलहाल। देखो ये पूरा का पूरा फैक्ट्री इलाका है, और इधर देखो ये फैक्ट्री है जहाँ पर हमें खाली करनी है, ये मतलब अंदर खाली होगा इसके, तो चलो चलते हैं अभी फिलहाल हम खाली करते हैं। ये जो भिलाई है यहाँ से रायपुर से 36 किलोमीटर पहले है, 30 किलोमीटर पहले है, 6 किलोमीटर और आगे पीछे 36 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था, तो अभी फिलहाल फटाफट करके हम खाली कर देते हैं। खुल जा, एकदम ही गिरेंगे। तो हम लोगों के लिए ना मुसीबत ही है, अभी जो नीचे 2 गाड़ी है मेरे को उतार के साइड में खड़ी करनी है, फिर बाद में और लोड कर दूसरी जो 4 गाड़ी है ऊपर की वो उतार के वो दूंगा। ये वाली दोनों कार रायपुर की हैं, अब दोनों दो बार खोलनी पड़ेगी, दोनों बार बांधनी पड़ेगी। फिलहाल तो दोस्तों खाली तो हो गई है, यहाँ की 4 गाड़ी हमने दे दी है, अब जब तक पीटीआई करता है जब तक अपनी गाड़ी और ये दोनों अपनी गाड़ी का सामान और अब ये दोनों गाड़ी अंदर कर लेते हैं।
दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 और हमारी गाड़ी खाली हो गई है और कंप्लीट खाली होके मतलब पीओडी भी मिल गई है, जब हम खाली मानते हैं, जब लास्ट में पूरा पीओडी मिलके हाथ में आ जाए। और आप लोगों को दिखाऊं, आप बताना ये क्या है कमेंट में, ठीक है? ये क्या है, ये लाल लाल से क्या है? ये सबको पता है यार, नॉर्मली मैं तो प्रैंक कर रहा था। ये है टमाटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं टमाटर क्यों लेके आया हूँ, ठीक है? तो अभी बताता हूँ। तो ये है सारा वो सामान जो कि आपने सोचा था बहुत दिनों से कि मैं ले लूँ, लेकिन आप लोगों को लग रहा था, कईयों ने कमेंट्स भी किया था कि भाई गाड़ी में जरा खाना वाना बनाया करो, हमको भी दिखाया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या करूँ, क्या है, अब मैं आपके लिए पूरा देखो पूरा सामान लेके जो मैं आया हूँ। कल मैंने ये रात को, मैंने कल शाम को मैं वहाँ जा रहा था फाटक पे, उससे पहले दुकानें थी कई सारी, तो वहां से मैंने ये सब सामान खरीदा है। तो चलो आपको दिखाते हैं और सामान, और आप देखिए इसमें क्या क्या मैंने सामान पूरा कल खरीदा है, तो आपको दिखा दो। भाई कहाँ से शुरू करे रे, मसाला डिब्बा से शुरू करे। आप लोग सोच रहे होगे ये मैंने क्यों लिया है, ये कमेंट्स में बताना मैंने ये किस लिए लिया होगा। आप लोग जानते हो कि हमारे को किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किस लिए लिया होगा इतना बड़ा, जबकि मैं अकेला खाने वाला हूँ। लेकिन नहीं, मुझे पता है भाई, लोग मिल जाते हैं रस्ते में, अपने लिए हमेशा नहीं बनाना चाहिए। एक आदमी का एक्स्ट्रा होता है तो कम से कम, अगर उसे वो भूखा होगा, उसका नसीब का हमारे पास होगा तो कम से कम खाएगा। तो ना ये तो मैंने अपने लिए लिया भाई, मुझे कटोरे में खाना बहुत पसंद है। इधर आओ, अब आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए ये हमने लिया है, ये लिया है मसाला दानी, ये हमने एक कढ़ाई लिए कल, और ये थाली, और भाई दिखाते हैं हम आपको, ये है तो रोटी सेकने वाला, लेकिन इसको मैंने किसी और काम के लिए लिया है। जब इसमें काम में यूज करूंगा तभी बताऊंगा, जब तक नहीं तो बताऊंगा नहीं, इसे लास्ट में बताऊंगा कि किस किस काम आ सकती है। तो ये हमने अपने दोनों चम्मच, एक ये गिलास लिया है, और ये पकड़, और ये अपना पतीला, और ये इसका ढक्कन, और ये खोलो, ये क्या है खोलो, तुम बताना क्या है ये। क्या है ये, मसाला पीसने वाला। हाँ, और ये कुछ हमने डब्बे लिए हैं, दो डब्बे हैं, इसमें ये दाल वगैरह हम रखेंगे, एक डब्बे में दाल रख लेंगे, एक डब्बे में कुछ भी आएगा तो वो रख लेंगे, क्योंकि दाल तो मैं लाया हूँ ना, राशन भी इतना सारा लाया हूँ। तो भाई ये जो डब्बा मैंने खरीदा है, ये इसलिए खरीदा है क्योंकि इसमें हम रखेंगे पूरा का पूरा चावल। देखो ये लिए हमने पापड़, ये भाई बर्तन धोने वाला लिया है मैंने गाड़ी सफाई के लिए, ये अपना आ गया फॉर्च्यून तेल, ये आ गया अपना चिकन मसाला, ये आ गया हल्दी का पैकेट, ये धनिया का पैकेट, ये मिर्ची का पैकेट, और ये आ गया जी टाटा नमक, देश का टाटा, ये हमारा टाटा, इसका नमक खाया है भाई, इसके बारे में तो तारीफ करनी पड़ेगी, गाड़ी भी चला रहे हैं तो इसी का नमक खा रहे हैं, तो भाई इसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। चलो इसको रखे, तो दोस्तों ये देखो हमारे पूरी मसाला दानी तैयार हो गई है। इसमें क्या है, हमने जो जो मसाले डाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये धनिया है, ये जीरा है, और ये भी धनिया है, तो थोड़ा ज्यादा धनिया लिया था मैंने, तो इसलिए मैंने इसमें भर दिया है। ये काली मिर्च है जो कि हमें जरूरत पड़ेगी पिसी हुई, और जो चिकन वगैरह जो भी हम मीट का या मतलब कुछ भी बनाएंगे तो उसके लिए रहेगा, और ये है अपना खड़ा मसाला, जो भी मैंने अपना पूरा जो भी खड़े मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, आगे जब अपने को काम आएंगे। तो तो दोस्तों अभी क्या है, मैंने पूरा जो सामान है वो सेटिंग कर लिया है। अब क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि जो अपने ये मैंने ये जो क्रेट लिए है ना, दो क्रेट लिए हैं, एक ये बर्तन के लिए और ये लिया है मैंने अपने सामान के लिए, जो मतलब हमारे टेलर क्या गाड़ी ज्यादा उछलता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सेटिंग करके ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेटिंग के थोड़ा दिक्कत रहेगा। बाकी देखो हमने ये सारा सामान जो है, अभी कश्मीरी लाल मिर्च ये रह गई अपनी जो चिकन वगैरह में यूज होती है, ये तेज पत्ता है। अब ये सेटिंग कर लेते हैं पूरा सामान और फिर बनाते हैं। आज तो मैं सिर्फ जो आज मैंने नए बर्तन लिए हैं, नए बर्तन के हिसाब से अभी मैं बनाऊंगा सिर्फ दाल, तो दाल बना के शुरुआत करेंगे, फिर देखें। पूरा फैल गया यार अंदर। तो दोस्तों अभी क्या है, हम लोग देखो बर्तन धो रहे हैं, और बर्तनों को है ना, नए बर्तनों को अक्सर है ना हमेशा पहले साफ करना चाहिए अच्छे से,
क्योंकि कंपनियों में जब ये बनते हैं उस टाइम पे कौन से पॉलिश के या किसी भी तरीके के केमिकल जो यूज किए जाते हैं इनको चमकाने के लिए, जबकि हमेशा है ना सिल्वर और वगैरह बर्तन जो है ना इतने चमक देने के लिए पता नहीं कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, तो इसलिए अच्छे से धो लेना चाहिए। हाय बंद कर दे, गाना नहीं, कॉपीराइट आए। चलो भाई जीरे से थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लेकिन उससे पहले भी डालेंगे हम इसमें हींग। और हींग आप लोगों को पता है, जो भी अगर हींग का खाना बनाता होगा उन सबको पता है कि हींग कितनी फायदेमंद होती है इंसान के लिए, और बिना हींग की दाल वगैरह ये सब आइटम ना बिना हींग का होना नहीं चाहिए। तो हम इसमें जरा सा हींग ऐड करेंगे अपनी तरफ से। देखो हींग की खुशबू, हो मेरे को तो आनंद सा आ जाता है हींग का। डालने जा रहे हैं अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। तो अब डालेंगे हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं, इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे हम इसमें प्याज। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे साथ के साथ, इसमें हम मसाले डाल देंगे साथ के साथ, ये सब गलता रहेगा, मसाला भी हमारा बन जाएगा और टमाटर भी। हल्की सी डालेंगे सिर्फ काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ये अपना धनिया, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। तो अभी हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया, अब इसमें हम दाल डालेंगे। तो देखो दोस्तों दाल, ओ अपने हाथ का चीज अपने हाथ का होता है भाई, होटलों में वो मजा कहा जो अपनी बात अपने हाथों में। देखो दाल, देखो एकदम परफेक्ट दाल। दोस्तों खाना हो गया हमारा रेडी, दाल बनाई है और हमने चावल बनाए, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों खाना हमारा रेडी है, अब हम चलते हैं खाना खाने। और आप देखो गर्मी थोड़ी लग रही है तो मुझे पंखा चलाना पड़ेगा, पंखा कर रहा है आवाज। खाना खाते खाते इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो अभी क्या है, कल मैं सुबह जाऊंगा यहाँ से खाली करने दूसरे डीलर के पास। तो फिलहाल अभी चलते हैं, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और खाने को कमेंट्स में बताना कैसा बनाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।